चिराग पासवान ने जदयू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जदयू खत्म हो जाएगी, पूरा बिहार मध्य अवधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। जी हाँ, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे और उनकी चिंता नहीं करेंगे तो आने वाले 2024 में जदयू का खाता तक नहीं खुल पाएगा और आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने की बात पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पहले बिहार में तो 2024 तक झंडा फहरा ले। जिस तरह से गठबंधन के बीच दरारें खुलकर सामने आ रही है, बिहार में अब कोई विकल्प नहीं बचा है और बिहार मध्य अवधि चुनाव की ओर अग्रसर है, क्योंकि अब बिहार और बिहारियों के हित की सोचने वाली सरकार चाहिए। टीम चुनाव आज तक। भाई बिहार में कब तक झंडा फहरा पाएंगे, पहले उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी कर ले। लाल किला बहुत बिहार की राजनीति को देखकर क्या लग रहा है, क्या होने वाले हैं? बिहार की राजनीति को देखकर क्या लग रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या सरकार? भाई मैं पुनः मैं दोहराऊंगा, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से गठबंधन के बीच अब दरारें खुलकर सामने आ रही हैं, बिहार और बिहार में अब और कोई विकल्प बचा भी नहीं है। भाई बिहार को मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होना होगा अगर बिहार में एक स्थिर और एक बिहार और बिहारियों के हित की सोच रखने वाली अगर सरकार चाहिए, तो अब जरूरत है कि बिहार पुनः मतदान के लिए जाए नया जनादेश लेकर।